सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आज गुड़ी पाड़वा इस उपलक्ष्य में पूर्व विधायक संदीप जोशी की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की, साथ ही गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आज गुड़ी पाड़वा हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने में होती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। इस नववर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हिंदू नववर्ष को नव संवंतर भी कहा जाता है, तो कई इसे गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। आज गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में तात्या टोपे नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस वक्त देश के सभी पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन बच्चों ने किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस वक्त सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दी। बोल सियापति रामचंद्र की, कवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बलज वैसव संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गो माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज नववर्षाच्या स्वागताकरता निघालेल्या मिरवणुकीमध्ये आपल्यामध्ये सामील झालेल्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, संजयजी भेंडे, विष्णुजी मनोहर ज्यांच्या पुढाकाराने ही यात्रा सुरू झाली, ते नागपूरचे माजी महापौर संदीप जोशीजी या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आपल्या सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि हिंदू नववर्षाच्या मी मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि हा गुढीपाडवा खूपच वेगळा आहे, खूप खास आहे, कारण 500 वर्षानंतर प्रभू श्रीराम हे पुन्हा एकदा अयोध्येमध्ये विराजमान झाल्यानंतर आम्ही गुढी उभारतोय। जेव्हा प्रभू श्रीरामांनी रावणावर विजय मिळवला त्यावेळी आम्ही दिवाळी पण साजरी केली, आम्ही गुढी पण उभारली, पण आमचे श्रीराम वर्षानुवर्ष शतकानुशतक त्या ठिकाणी विजनवासात होते, वनवासात होते। आणि मला अतिशय आनंद आहे की 22 जानेवारीला प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वात अयोध्येमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची स्थापना झाली आणि म्हणून सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचं नवीन पर्व आता सुरू झालेलं आहे असं मी म्हटलं तर ते योग्य ठरेल। आताच प्राजक्तांनी सांगितलं की आमची परंपरा काय आहे, आम्ही नववर्ष का साजरं करतो। खरं म्हणजे या सांस्कृतिक पुनर्निर्माणामध्ये आमचा जो इतिहास आहे, आमची जी संस्कृती आहे, ही पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या पुढच्या पिढ्यांपर्यंत न्यावी लागेल। आणि आमचा इतिहास इंग्रजांनी लिहिलेला इतिहास नाही, मोगलांनी लिहिलेला इतिहास नाही, तर जगाच्या पाठीवरची सर्वात जुनी सभ्यता असलेल्या भारताचा इतिहास हा आमचा इतिहास आहे, हे आता आपल्याला निश्चितपणे सांगावं लागेल।
इस कार्यक्रम में मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माली और प्रसिद्ध शेफ मनोहर जोशी उपस्थित थे। इस वक्त परिसर का वातावरण भक्तिमय गानों से गूंज उठा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।